तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बैटरी चार्जिंग एनिमेशन ऐप कैसे यूज़ करेंगे। गैस अगर आप भी इस ऐप के बारे में जानना चाहते हो, इस ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो कैसे यूज़ करेंगे, इसमें क्या होता है, इस वीडियो में इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना है, और वीडियो देखने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर लोडिंग होने के बाद आपकी ये ऐप ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, ठीक है, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्किप का ऑप्शन मिलता है, आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है स्किप का, ठीक है, आपको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पर 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको शेयर रेट ऐप और प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको चार्ज कितना हुआ है वो यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे एनिमेशन मिलता है, शूज एनिमेशन। यहाँ पर आपको गाइज चार्जिंग के बहुत सारे एनिमेशन मिलती है, जब आप अपना चार्ज कनेक्ट करोगे तो गाइज आपको यहाँ पर इस तरह के एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको एनिमल्स, यहाँ पर आपको कार, कार्टून, जो भी आपको एनिमेशन लगाना है उस एनिमेशन को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आपको अलार्म सेट करना है, जब आपको चार्ज लगाते हो तो यहाँ पर अलार्म भी आप सेट कर सकते हो। बैटरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप बैटरी की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। डाउनलोडेड एनिमेशन देखना है तो आप डाउनलोडेड एनिमेशन भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।